मजावत में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या के आरोपी को गोगुंदा पुलिस ने किया गिरफ्तार। उधारी में डूबे पड़ोसी ने लूटने की नीयत से बनाया था प्लान। गोगुंदा थाना पुलिस ने 4 दिन पहले घर में घुसकर 75 वर्षीय वृद्धा की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का घर वृद्धा के घर से पीछे वाली गली में है। वह पिछले लंबे वक्त से काम पर नहीं होने की वजह से आर्थिक तंगी में जी रहा था। ऐसे में उसने प्लान बनाकर घर में घुसकर वृद्धा पर हथियार से हमला कर लूटने को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी उदयपुर के सुखेर इलाके में पहुंचा और वहां एक होटल में रुका। आरोपी पहले फर्नीचर का काम करता था। शौक मौज पर खर्चों के चलते वह कर्ज में डूबा हुआ था। उसने बुलेट बाइक भी गिरवी रख रखी थी। आरोपी और वृद्धा दोनों ही सुतार समाज के हैं। मजावत गांव में 8 अगस्त को दोपहर में घर में अकेली वृद्धा को पाकर उसने घर में घुसकर कुदाली से हमला कर दिया। उसके बाद उसके कान और नाक में पहने हुए सोने के जेवर खोलकर ओढ़नी से गला घोटकर मार दिया। आरोपी मुकेश सुतार पेटी में रखे नकदी और कुछ जेवर चोरी कर गोगुंदा भाग गया। इसके बाद उसने नई ड्रेस खरीदकर और जेवर को बेचने का प्रयास किया। हालांकि दुकानदार ने उससे खरीदने से मना कर दिया। आरोपी सीधा सुकेर स्थित एक होटल पर पहुंचा और रात वहीं पर रुका। फिर सुबह होकर वह अहमदाबाद चला गया। आरोपी मुकेश पुत्र रतनलाल सुतार पहले अहमदाबाद में फर्नीचर का काम करता था। कुछ महीने से वह गांव में नहीं रहकर गोगुंदा में ही एक होटल पर काम कर रहा था। प्लान के तहत वह वारदात के दिन सुबह गांव पहुंचा और वृद्धा के घर पहुंचकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बेहद सातिराना तरीके से मर्डर किया और भागने का प्लान भी बनाया। 8वीं पास आरोपी मुकेश शौक मौज में पैसे उड़ाने वाला युवक है, जिसने कुछ समय पहले अपनी बुलेट को गिरवी रखकर पैसे उधार पर लिए थे। वह हत्या के बाद बिना डरे आराम से होटल में रह रहा था और वहां से अहमदाबाद भाग गया। वहीं आरोपी को पता था कि वृद्धा बागूबाई घर में अकेली रहती है, ऐसे में आसानी से लूट की जा सकती है। वो दोपहर को वृद्धा के घर पहुंचा ताकि मोहल्ले में ज़्यादातर लोग अपने काम धंधों या खेतों में हो। पुलिस ने वृद्धा द्वारा पहने जेवर भी बरामद कर लिए। वहीं शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा गया है।